गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउस। देखो आज की वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कोई 7-स्टार होटल या कोई लग्जरी रिजॉर्ट दिखाने वाला हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आज का हमारा घर है ये 7-स्टार होटल या लग्जरी रिजॉर्ट को भी फेल करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको स्पेशियस डाइनिंग एरिया, मूवी थिएटर एरिया, जिम एरिया, स्विमिंग पूल एरिया, बार एरिया, जकूजी, स्टीम एरिया, पूल टेबल और लाइब्रेरी मिलेगी। काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको इस घर में मिलने वाली हैं। एरिया से शुरू करते हैं। घर के 500 गज में घर बना हुआ है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, ओमैक्स फेस वन न्यू चंडीगढ़ में घर रहेगा, ईस्ट फेसिंग घर है। इसका जो बेनिफिट है, आपको सामने ही हिल एरिया का व्यू मिलेगा, तो काफ़ी अल्टीमेट रहेगा व्यू भी। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है घर की, वो साथ साथ में आपको चलता बताता जाऊँगा। एक बात और, इस वीडियो को देखना स्किप मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका भी घर इतनी सारी फैसिलिटी के साथ में ऐसे ही डिजाइन में होना चाहिए। तो चलिए विला स्टार्ट करते हैं। बाहर से शुरू करते हैं। बड़े मेरी का साइज ही काफ़ी अच्छा रखा गया है कि आपकी इजीली एक गाड़ी बाहर लग जाएगी। नीचे फ्लोरिंग में आपको ग्रेनाइट रहेगा। राइट साइड में हमने गार्डन एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, जिसके अंदर हमने पाम ट्रीज लगाए हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। इसको आप खुद और अच्छे से मेनटेन कर सकते हो। फ्रंट एलिवेशन से शुरू करते हैं। फ्रंट एलिवेशन आप देखोगे, देख कर अंदाजा लगा ही सकते हो कि आपकी फ्रंट एलिवेशन कितनी मॉडर्न तरीके की रहने वाली है। लेफ्ट साइड की विंग होगी, बेशक राइट साइड की विंग होगी। इसमें हमने वाइट कलर का थीम यूज़ किया हुआ है, सेंटर में हमने ब्लैक रखा है। फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स होगी, बेशक ग्राउंड फ्लोर की होगी। इसमें हमने वुडन इंटीरियर किया हुआ है, उसके ऊपर LED लाइट्स लगाई हुई हैं कि आपके घर को एक मॉडर्न तरीके की लुक मिले। गेट से शुरू करते हैं। स्लाइडर गेट रहेगा, रिमोट से ही कंट्रोल हो जाएगा। इसको आप अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट के साथ नहीं। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो तो दो गाड़ियों की कार पार्किंग आपको अंदर मिल जाती है। नीचे इसमें ग्रेनाइट रहेगा। इस साइड की वॉल के ऊपर आप देखोगे तो वाइट कलर की थीम की टाइलिंग यूज़ की हुई है, मार्बल लुक में जो है। इसके ऊपर LED लाइट्स लगाई हुई हैं। आगे हमारे फ्रंट एलिवेशन में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, नेचुरल लाइट अंदर जाने के लिए। इस साइड एक आपकी गाड़ी लग जाएगी, एक गाड़ी इस साइड लग जाएगी। घर के बाहर भी गार्डन एरिया डिज़ाइन किया हुआ है, घर के अंदर भी एक छोटा सा गार्डन एरिया डिज़ाइन किया हुआ है आपकी प्राइवेसी रखने के लिए। इसमें भी हम ग्रास लगा के दे रहे हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, साथ में आप पाम ट्रीज लगा के दे रहे हैं। इस साइड भी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज़ है आपकी नेचुरल सनलाइट अंदर जाने के लिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से CCTV कैमराज लगाए हुए हैं। दो आपके मेन डोर में हो गए, एक साइड में हो गया, एक बाहर साइड हो गया, एक गेट में रहेगा। फर्स्ट जैसे ही आप फर्स्ट स्टेप चढ़ते हो, यहाँ से ही आपका इटालियन मार्बल शुरू हो जाएगा। साइड वॉल में देखोगे, इसमें आपका वुडन का इंटीरियर रहेगा और साथ में एक टाइलिंग रहेगी ग्रे कलर की। फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा घर कितना आलीशान रहने वाला है। इसमें हम आपको सिक्योरिटी लॉक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आप पासकोड से खोल सकते हो, रिमोट से खोल सकते हो, फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो, फिंगर टच के साथ ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो ये आपका फॉरी रियर रहेगा। इसमें भी आप लेफ्ट साइड की वॉल देखोगे, उसके ऊपर इटालियन मार्बल लगाया हुआ है। राइट साइड की वॉल के ऊपर वॉलपेपर रहेगा और ग्लास डोर रहेगा। ऊपर आप देखोगे तो ब्यूटीफुल शैंडलियर आपको लगा के दे रहे हैं। एक बार मैं आपको घर का नक्शा समझा देता हूँ। लेफ्ट साइड में बेडरूम है, उसके साथ में लिफ्ट एरिया है, किचन एरिया है और मास्टर बेडरूम है। राइट साइड में ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, लिविंग एरिया है और बिल्कुल सामने बार एरिया है। घर के बैकयार्ड में स्विमिंग पूल एरिया रहेगा। तो स्टार्टिंग ड्राइंग एरिया से करते हैं। ये आपका ड्राइंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग एरिया है, जिसके अंदर 9-सीटर सोफा सेट हमने लगाया हुआ है। ये घर आपको फुली फर्निश्ड दे रहे हैं। जैसा आप सोफा सेट देख रहे हो, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, एज इट इज आपको मिलेंगी। इसमें भी ड्राइंग एरिया में भी आप देखोगे पीछे तो काफ़ी ब्यूटीफुल आपको वॉलपेपर मिल रहा है, उसके ऊपर डिज़ाइनर लाइट्स हैं। राइट साइड काफ़ी अच्छा वुड का इंटीरियर दे रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे फ्लोरिंग देखोगे तो उसके ऊपर आपका
पूरा ही कारपेट रहेगा। वॉल्स आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन की हुई हैं, बिल्कुल सामने आपको बड़ी विंडो है नेचुरल सनलाइट अंदर आने के लिए। एक चीज़ और, जो बटन्स रहेंगे घर में सारे ही टच वाले रहेंगे, जिसको आप फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, राइट साइड में हमारे पाउडर रूम है, काफ़ी स्पेशियस है, जितनी भी फिटिंग है सारी ब्रांडेड रहेगी। अगर आप फ्लोरिंग भी देखोगे, साइड्स में भी देखोगे, तो पूरा इटालियन मार्बल आपको मिल रहा है। इसके आगे ही लेफ्ट का सेक्शन है, इसको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये आगे आपको ग्लास डोर रहेगा। ये आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? आपकी घर की प्राइवेसी और मेंटेन करने के लिए। जैसे कि गेस्ट आता है, आप चाहते हो कि पूरा घर का व्यू उनको ना मिले, तो उसके लिए हमने ग्लास डोर दिया हुआ है। इसको भी काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है। इस साइड आप देखोगे घर की वॉल्स भी देखोगे, तो उसको भी हमने प्लेन ही छोड़ा हुआ, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। यहाँ पे आपकी स्क्रीन है, जैसे कोई डोर नॉक करता है तो यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन घर में एंटर कर रहा है, कौन जा रहा है, पूरा ऑपरेट कर सकते हो यहाँ से। इसके आगे हमारा किचन है, काफ़ी अल्टीमेट किचन दे रहे हैं हम आपको। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि सबसे जैसे ही मैं घर में एंटर किया था तो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद किचन आई थी। ऊपर आप देखोगे तो ये ऊपर आपको क्वाड मिल रहा है, इनबिल्ट ही आपको ब्रेकफास्ट टेबल रहेगा, हॉब रहेगा, चिमनी रहेगी, ये भी सारी चीज़ें ब्रांडेड लगी हुई हैं। पीछे आपको पेंट्री सेक्शन है, इस साइड भी स्टोरेज दे रहे हैं हम। इनबिल्ट आपको माइक्रोवेव रहेगा, ओवन रहेगा, इसके आगे ही आपको इनबिल्ट ही आपको रेफ्रिजरेटर रहेगा, पीछे आपका नीचे आपका दूसरा रेफ्रिजरेटर आ जाता है। आगे ड्राई सेक्शन आपका इस साइड है, वेट सेक्शन आपका बाहर बनाया हुआ है। ऊपर भी स्टोरेज, जैसे आपने दालें वगैरह रखनी है वो आप रख सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स लगाई हुई हैं। किचन में भी एसी लगाया हुआ है, इस साइड भी स्टोरेज रहेगी, नेचुरल लाइट के लिए यहाँ पे विंडो दी हुई है, इसके आगे भी स्टोरेज रहेगी। स्टोरेज की कोई कमी नहीं आने वाली इस घर में। आगे ही हमारा डाइनिंग सेक्शन है, डाइनिंग एरिया भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, डबल हाइटर रखा हुआ है, इससे ज़्यादा घर एरिया फील होता है। पूरे घर में वेंटिलेशन और कूलिंग प्रॉपर रखने के लिए सेंट्रलाइज्ड एसी दिए हुए हैं। ड्राइंग एरिया हो गया, जैसे डाइनिंग एरिया हो गया, लिविंग एरिया हो गया, इन सभी में आपको सेंट्रलाइज्ड एसी रहेंगे। डाइनिंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, 12 सीटर डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है। ये भी आप देखोगे तो ऊपर भी आपको मार्बल मिल जाता है, ऊपर ब्यूटीफुल शैंडल लगाया हुआ है। पीछे की वॉल देखोगे तो बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई है, नीचे आपको प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल। इस साइड आपकी लाइटनिंग रहेगी, ऊपर आपको खुला छोड़ा हुआ है नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए। वॉल्स भी देखोगे तो उसको भी डेकोरेट किया हुआ है। आगे ही हमारा इस साइड लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया भी काफ़ी स्पेशियस है, डाइनिंग एरिया से बड़ा आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप पूरी फैमिली बैठ के इंजॉय कर सकते हो, जैसे आपके लिए सीरियल्स मूवी वगैरह। काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल आपको सोफा सेट मिल जाता है, पीछे की वॉल भी डेकोरेट की हुई है, सामने भी आपको वुडन इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पे आपका टीवी लगा हुआ है, जिसमें आपके पूरे सीसीटीवी कैमराज फिट किए हुए हैं, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हो। नीचे भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज बनाई हुई है, ये आपको वुडन पार्टीशन मिल जाती है, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये भी ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। ये हमारा बार एरिया है, बार एरिया को भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देने के लिए स्पेशियस बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, नीचे भी स्पेस छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रखोगे ड्रिंक्स वगैरह ठंडी करने के लिए। पीछे भी स्टोरेज बनाई हुई है, इसके ऊपर भी इटालियन मार्बल है, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट की हुई है। पीछे आपको वॉलपेपर मिल जाता है, साथ में वुडन टेक्सचर लगाया हुआ है। ये आपका टेबल है, उसके आगे ही आपकी चेयर्स रखी हुई हैं, पीछे स्विमिंग पूल रहेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले हम मास्टर बेडरूम कवर कर लेते हैं। ये हमारा नीचे वाला मास्टर बेडरूम है, स्पेस आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कितना स्पेशियस है। किंग साइज बेड लगने के बाद भी आपको छोटा सा सोफा सेट रखा हुआ है, इस साइड भी आपको सोफे दो रखे हुए हैं, बीच में सेंटर टेबल रखा हुआ है, जहाँ पे आप जैसे कॉफ़ी वगैरह इंजॉय करनी है तो यहाँ पे बैठ के इंजॉय कर सकते हो। पीछे आपको काफ़ी अच्छी विंडो है साइज़ की, नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए। सामने आपको टीवी पैनल साइज़ देख सकते हो, जैसे आपका मास्टर बेडरूम का साइज़ स्पेशियस था, वैसा ही टीवी पैनल बनाया हुआ है।
इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन आपको ग्रे का रहेगा और लाइट ग्रे का रहेगा। इस साइड स्टोरेज बनाई हुई है, नीचे भी स्टोरेज है, बड़ी आपकी एलईडी आराम से फिट हो जाएगी। ऊपर आप फॉल्स सीलिंग का भी डिजाइन देखोगे तो पूरा वॉल में जा रहा है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये भी आपको। आगे चलते हैं, आगे हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा, काफ़ी स्पेशियस है। कबर्ड्स देख रही है आप कितने अच्छे डिज़ाइन के दिए हुए हैं। इसके आगे ओपन स्पेस है, इसमें भी आप स्टोरेज काफ़ी अच्छी गैदरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग सेक्शन रहेगा, मिरर लगा हुआ है, नीचे भी स्टोरेज है। आगे हमारा वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम में भी जो फिटिंग है सारी ब्लेंडर रहेगी। बाथटब इस साइड रहेगा, इस साइड बाथ एरिया बनाया हुआ है। डिज़ाइन टाइल्स के आप डिज़ाइन भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। एक चीज़ और नोटिस करोगे आप, हर पूरे घर में जितने भी डोर्स हैं, बेडरूम के डोर्स हैं, उन सभी में आपको डिजिटल डोर लॉक दे रहे हैं कि आपकी घर की प्राइवेसी और मेंटेन हो सके। पीछे हमारा पूल एरिया है, पूल एरिया को आप बेडरूम से भी एक्सेस कर सकते हो, बारी से भी एक्सेस कर सकते हो। तो पीछे चलते हैं, पीछे हमारा स्विमिंग पूल एरिया रहेगा। इस साइड देखोगे आप तो ग्रीन एरिया हम आपको मेंटेन करके दे रहे हैं, यहाँ पे आप सिटिंग वगैरह भी लगा सकते हो। इस साइड हमारा स्विमिंग पूल का एरिया रहेगा, ये हमारा डेक एरिया है। इसके आगे ही आप देखोगे तो सोफ़ा सेट सा लगा के दे रहे हैं, जैसे आपने सर्दियों में चाय वगैरह सुबह की इंजॉय करनी है तो डेक एरिया में आराम से कर सकते हो। सन बाथ के लिए यहाँ पे स्पेस बनाई हुई है, यहाँ पे आपका सोफ़ा सेट लगाया हुआ है। स्विमिंग पूल का बाथ एरिया हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे आप शावर वगैरह ले सकते हो। पीछे की वॉल देखोगे तो उसके ऊपर भी डिज़ाइनर लाइट्स लगाई हुई हैं रात को अल्टीमेट व्यू देने के लिए। ऊपर भी आप देखोगे तो इंटीरियर देखोगे तो ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर मिल जाता है। आगे चलते हैं, नीचे हम आपको एक बेडरूम बना के दे रहे हैं, बाकी तीन बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। आगे चलते हैं, राइट साइड में आप देखोगे स्टेयर्स के नीचे तो छोटा सा फाउंटेन एरिया बना के दे रहे हैं, इसमें भी डिजाइनर लाइट्स लगी हुई हैं, रात को अल्टीमेट व्यू देंगे ये भी। आगे स्टेयर्स में भी टफन ग्लास रहेगा, नीचे फ्लोरिंग इटालियन मार्बल रहेगा। राइट साइड की, लेफ्ट साइड की वॉल भी आप देखोगे तो प्लेन नहीं छोड़ी हुई, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा इंटीरियर किया हुआ है, पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। बाकी ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर एंटर होते ही आप नीचे फ्लोरिंग देखोगे तो ऊपर भी आपको इटालियन मार्बल रहेगा। एंटर होते ही आपका ये लाइब्रेरी सेक्शन आ गया, जिसको आप पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस साइड हमने सोफा सेट रखा हुआ है, सामने बुक शेल्फ बनाई हुई है, इसके साथ में ही टेबल लगाया हुआ है बुक वगैरह रीड करने के लिए। यहाँ पे आप अपने आप पीसी वगैरह भी रख सकते हो। पीछे बालकनी को एक्सेस करने के लिए डोर छोड़ा हुआ है। दो बेडरूम्स पीछे हैं, एक बेडरूम फ्रंट साइड है। तो पहले मास्टर बेडरूम कवर करते हैं, साइज इसका सेम रहेगा जैसे नीचे मास्टर बेडरूम का था, इसमें चेंज क्या क्या हो गया। वैसे ये बेडरूम मेरे को सबसे अच्छा लगा इसमें कलर थीम, क्योंकि इसमें कलर आप देखोगे ग्रीन और गोल्डन का रखा गया है। जैसा डिज़ाइन पीछे बेड का है वही कंटिन्यू करते हैं, आपका टीवी पैनल का भी डिज़ाइन सेम है। इसमें भी आप देखोगे तो लेदर का यूज़ किया हुआ है, सेम कलर थीम कंटिन्यू करते आप फर्नीचर में देखोगे तो सेम ही कलर थीम रहेगा। नीचे फ्लोरिंग आपकी वुडन रहेगी। आगे इसके ड्रेसिंग एरिया, अब ड्रेसिंग एरिया में भी आप कलर थीम देख सकते हो, सेम ही रखा गया है। एक आपको ब्यूटीफुल लुक आ रही है इससे, कबर्ड्स की ऊपर तक आप कबर्ड्स रहेंगे, स्टोरेज आपकी ह्यूज रहेगी। इस साइड हमने ड्रेसिंग सेक्शन बनाया हुआ है, लुकिंग मिरर आपको फुल वॉल का आपको मिल जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लुक दे रहा है आपको। इसके पीछे स्टोरेज रहेगी, ह्यूज साइज की स्टोरेज रहेगी। सामने बाथरूम है, वॉशरूम है, वॉशरूम में भी आप नोटिस करोगे तो डबल आपकी सैनिटरी रहेगी, फिटिंग आपकी सारी ब्लेंडर रहेगी। इस साइड बाथ एरिया बनाया हुआ है, आगे विंडो रखी हुई है नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए। इस बाथरूम में आपको एक और चीज़ अच्छी लगेगी, यहाँ पे जकूजी दी हुई है जिसके आप अंदर कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, बबल्स वगैरह बना सकते हो। ये वाला हमारा मास्टर बेडरूम था, इसके बिल्कुल आगे ही हमारा किड्स बेडरूम है। अब इस बेडरूम को किड्स में बेडरूम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कलर थीम ही किड्स वाला रखा है। जैसे किड्स को गेमिंग रूम ज़्यादा पसंद होते हैं तो गेमिंग में सबसे ज़्यादा जो कलर यूज़ होते हैं ब्लैक हो गया और ब्लू हो गया, यही सेम थीम हमने बेडरूम में रखा है। जैसे किंग साइज बेड लगा हुआ है, इसके पीछे भी आप वॉल भी देखोगे डिज़ाइन इस यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर फॉसलिंग से होता हुआ टीवी पैनल में जाता है। उसके ऊपर भी आप देखोगे तो लेदर यूज़ की हुई है,
बड़ा आपका टीवी लग जाएगा, नीचे स्टोरेज रहेगी, साइड में आपको ब्लू लाइट रहेगी, इस साइड भी आप चेयर्स भी देखोगे तो वही कलर थीम यूज़ किया हुआ है, बीच में सेंटर टेबल लगा हुआ है, पीछे आपको विंडो रहेगी नेचुरल सनलाइट अंदर आने के लिए, नीचे फ्लोरिंग भी देखोगे तो वही सेम कलर थीम यूज़ किया गया है ब्लैक का। ये हमारा ड्रेसिंग सेक्शन है, इसमें भी कबर्ड्स में आपको वार्डरोब्स में आपको लैकड़ ग्लास दिया हुआ है, यहाँ पे आपका लुकिंग मिरर रहेगा, स्टोरेज भी रहेगी साइड में, नीचे भी स्टोरेज रहेगी, इस साइड बाथरूम आ जाएगा, वॉशरूम, वॉशरूम का साइज़ भी किड्स बेडरूम के हिसाब से डिसेंट है और इसमें सेम कलर थीम आगे कंटिन्यू कर दिया है, जैसे ब्लैक आपकी फिटिंग हो गई, सैनिटरी फिटिंग हो गई, इस साइड बाथ एरिया बनाया हुआ है, रेन शार लगा हुआ है, साइड वॉल में भी आपको शार लगा हुआ है। आगे चलते हैं, मास्टर बेडरूम हो गया, किड्स बेडरूम हो गया, अब गेस्ट बेडरूम कवर कर लेते हैं एक बार। इस साइड हमारा गेस्ट बेडरूम रहेगा, गेस्ट बेडरूम की आप एंट्री भी देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल बनाई हुई है, इस साइड डिज़ाइन अच्छा लुक देने के लिए, जैसे डिज़ाइनर आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, डिज़ाइन आप पेंटिंग वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे आपके वार्डरोब्स रहेंगे, नीचे आप फ्लोरिंग देखोगे तो आपकी सारी वुडन की रहेगी। इसमें जो कलर थीम है वो हमने वाइट का रखा है और ब्राउन का रखा है, टीवी पैनल में आपको ब्लैक का मिल जाएगा, टीवी पैनल में भी आपको ब्राउन का और ब्लैक का रहेगा, स्टोरेज रहेगी, नीचे भी स्टोरेज रहेगी, साथ में ही हमने लुक मिरर दिया हुआ है। इसके आगे ही हमारा वॉशरूम है, बाथरूम है, बाथरूम में कलर थीम हमारा रहेगा वाइट का रहेगा, सैनिटरी फिटिंग भी आपकी वाइट की रहेगी, ब्लेंडेड रहेगी, राइट साइड में बाथ एरिया बनाया हुआ है, जैसे स्विच वगैरह हो गए वो सारे टच वाले हैं जैसे नीचे थे। इस साइड लिफ्ट का सेक्शन है, ये हमने फ्रंट बालकनी का डोर है, जैसे नीचे डोर था हैवी वाइट डोर था, सेम साइज का ही ऊपर रखा गया है। फ्रंट बालकनी भी आप देखिए काफ़ी अच्छे साइज की है, जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर सुबह की चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हो। इसमें भी आप थीम देखोगे, इंटीरियर देखोगे, वॉल्स में आपको टाइलिंग स्टोन लुक में मिल जाती हैं, उसके ऊपर LED लाइट्स लगाई हुई हैं। फॉल्सिलिंग में देखोगे तो ब्लैक और ब्राउन कलर में आपको पैनलिंग लगाई हुई है ब्यूटीफुल लुक देने के लिए, साथ में LED लाइट्स रहेंगी। आगे चलते हैं, राइट साइड में लिफ्ट का सेक्शन है, इस साइड से स्टेयर्स हैं। सेकंड फ्लोर में अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे अपना पूल टेबल हो गया, जकूजी हो गया, स्टीम बाथ हो गया, जिम एरिया हो गया, मूवी थिएटर हो गया, वो हम ऊपर जाके कवर करते हैं। ऊपर एंटर करते ही यहाँ पे आपका सर्वेंट रूम रहेगा, पहले आपको मैं फ्रंट बालकनी दिखा देता हूँ, बाद में इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। डोर का साइज सेम रहेगा वाइड, ये आपकी ऊपर वाली फ्रंट बालकनी आ गई, साइज इसका भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल गार्डनिंग नीचे ग्रास लगा के काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया है, यहाँ पे बेड बनाया हुआ है, यहाँ पे आप ड्रिंक्स वगैरह पार्टी वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह रख के इंजॉय कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये हमारा गेमिंग जोन सेक्शन है, इस साइड सोफ़ा सेट लगाया हुआ है। गेमिंग सेक्शन में नीचे फ्लोरिंग में वेलवेट लगा हुआ है, ऊपर इसके पूल टेबल लगाया हुआ है, लाइट्स लगाई हुई हैं डिज़ाइनर, पीछे आपको नेचुरल विंडो दी हुई है नेचुरल लाइट अंदर आने के लिए, वेंटिलेशन भी प्रॉपर रखने के लिए। इस साइड छोटा सा किचन बनाया हुआ है जिसमें आप स्टोरेज भी बनाई हुई है नेचुरल लाइट के लिए, यहाँ पे विंडो रहेगी। इस साइड वॉशरूम है जिसमें जकूजी है, फ्लोरिंग भी देखोगे इसमें तो इटालियन मार्बल ही दिया गया है। इस साइड स्टीम बाथ एरिया बनाया हुआ है जिसको आप बोर्ड्स में चेंज कर सकते हो, हीटिंग सेक्शन जैसे हीटिंग ज़्यादा करनी हुई कम करनी हुई तो वो कर सकते हो यहाँ से। ये आपका जकूजी सेक्शन हो गया जिसमें आप मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो, बबल्स वगैरह बनाने हैं तो वो बना सकते हो। मूवी शेट एंड में कवर करते हैं, पहले हम जिम एरिया कवर कर लेते हैं। जिम एरिया देखिए कितना स्पेशियस है, सामने आपके लुकिंग मिरर लगे हुए हैं, सेम आपको एज इट इज ही आपको ये भी प्रोवाइड होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर रखने के लिए यहाँ पे आपके कर्टन्स मिल जाते हैं जो कि आपके ऊपर उठ जाएंगे। ये आपकी डबल एंट्रेंस हो गई मूवी थिएटर की,
मूवी थिएटर भी आप देखोगे तो साउंड प्रूफ रहेगा। फ्रंट रो में आपको 4 सोफ़ाज हो जाएंगे जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे, आराम से लेट कर इंजॉय करना चाहते हो मूवी तो आराम से कर सकते हो। सोते हुए मूवी देखनी है तो उसके लिए पीछे बेड दिए हुए हैं, डबल बेड रहेंगे, एक इस साइड रहेगा एक इस साइड रहेगा। सराउंडिंग सिस्टम लगाया हुआ है सारे मूवी थिएटर में, पीछे प्रोजेक्टर रहेगा, LED लाइट्स रहेंगी, सिस्टम सारा लगा हुआ है, सेंट्रलाइज AC रहेगा। सामने आपकी जो वॉल है उसमें भी साउंड प्रूफ करने के लिए पैनल लगाए हुए हैं, नीचे फ्लोरिंग भी वेलवेट दिया हुआ है, पूरा मूवी थिएटर का आपको फील मिल जाता है इसमें। अब आप बताइए घर आपको कैसा लगा, अगर घर अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा, इसमें अमेनिटीज़ आपको कैसी लगी वो भी बताइए। आपको घर में कौन कौन सी अमेनिटीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस घर के रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी होती है तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि हम किस तरह से अच्छा डिज़ाइन घर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।